तो एक तरफ राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, दूसरी तरफ संसद में विपक्ष की ये बैठक चल रही है। आगे किस तरीके की रणनीति विपक्ष की रहने वाली है, इस पर ये मंथन और चिंतन हो रहा है। सोनिया गांधी भी मौजूद हैं इसमें, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तमाम कांग्रेस के नेता शशि थरूर से लगाकर यहाँ पर मौजूद हैं। विपक्ष की संसद में बैठक चल रही है, खड़गे यहाँ पर मौजूद है, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद है, और आगे क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की, वो दरअसल तय हो रही है। क्योंकि 14 विपक्षी पार्टी वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है, अर्जी उन्होंने लगाई है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की तरफ से हो रहा है, और आगे उनकी रणनीति क्या रहने वाली, सरकार को कैसे घेरना है, ये रणनीति बनाने की कोशिश उनकी हो रही है। लेकिन रणनीति इस बाबत नहीं बन पा रही है नेहा कि सदन की कार्यवाही कैसे चले। लोकसभा आज एक बार फिर से शुरुआत हुई, चंद मिनट के अंदर ही 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इस बीच राहत की बात यह है कि राज्यसभा अब भी जारी है, वहां लोकसभा जैसा गतिरोध नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन संसद विपक्ष की बैठक चली जिसकी अगुवाई सोनिया गांधी और खड़गे की अध्यक्षता में की गई, जिसमें तमाम विपक्षी सांसद दिखाई दे रहे हैं। कैसे दोनों सदनों को चलाना है, किस तरीके से अपनी मांगे वहां पर रखनी है, इसको लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई। हालांकि ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा अर्पिता कि यहां आज राज्यसभा कितनी देर चल पाती है, क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को बताते रहे कि जब संसद ठप हो जाती है तो कितने करोड़ों का नुकसान जनता के पैसे का होता है। लोकसभा जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया कि ओबीसी समाज की उन्होंने निंदा की है, ओबीसी समाज पर जो टिप्पणी की है उसको लेकर नड्डा जी ने हमला किया है। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। हिमांशु, यानी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर से 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी मीटिंग कर रहा है, अपनी बैठक कर रहा है, उनकी क्या रणनीति और सरकार की क्या रणनीति, आगे कैसे चलेगा सदन? देखिए, सरकार चाहती है कि राहुल गांधी जो हैं वो अपने बयान पर माफी मांगे जो उन्होंने लंदन के अंदर जाके एक यूनिवर्सिटी के अंदर दिया था। दूसरी तरफ विपक्ष ये चाहता है कि जेपीसी बनाई जाए, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप को लेकर। तो दोनों तरफ से तनातनी है, और उस बीच में राहुल गांधी को लेकर कल कोर्ट का एक फैसला आया जिसके अंदर ये कहा गया कि 2 साल की सजा उनको दी जाती है, जो 2019 में उन्होंने एक बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर। उन्होंने कहा था सारे मोदी जो हैं चोर हैं। उसके बाद परनेश मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सूरत से, उन्होंने जो है केस किया, उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर सजा हुई है। अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने के लिए स्पीकर कोई फैसला लेते हैं, या राहुल गांधी हाई कोर्ट में जाके अपील करते हैं कि उनके ऊपर जो फैसला आया उसको रद्द करना चाहिए, या हाई कोर्ट उस पर क्या डिसीजन लेगा, ये आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी जो है अब तलवार लटक गई है उनके ऊपर। ये एक तरीके से सरकार जरूर चाहेगी कि इस मुद्दे को लेकर वो बीच में जाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा कि उन्होंने ना सिर्फ मोदी सरनेम का अपमान किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, उन्होंने ओबीसी समाज को जो है वो उनकी निंदा की, उनके खिलाफ जो है अपशब्द बोले और अनर्गल बयानबाजी की है, उसकी सजा कोर्ट ने उनको दी है। और इसी तरीके से उन्होंने पहले भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बयान दिया था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी का जो बयान आया था 2019 के चुनाव से पहले मोदी सरनेम को लेकर, और अब उस पर जब सजा हो गई है तो क्यों ना उसको लेकर जमीन तक लेके जाया जाए, और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि मिल सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के लगातार बयान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टारगेट किए जाते हैं, चाहे वो लंदन की यूनिवर्सिटी हो या संसद के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये जरूर चाहेगी कि पहले सुप्रीम कोर्ट में तो वो माफी मांग के बच गए थे, लेकिन इस बार सूरत की कोर्ट ने उनको जो है कन्विक्टेड किया है 2 साल के लिए। अब उनके पास एक रास्ता है कि वो हाईकोर्ट जाए और जो ऑर्डर आया है उसके खिलाफ जाकर वो स्टे ले आए, लेकिन उसमें समय लग सकता है। और दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर के पास पावर है कि उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके का कानून है कि किसी भी चुने हुए सदस्य के को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा राज्यसभा से उनकी सदस्यता जो है वो रद्द की जा सकती है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ।